Pakistan mein healthcare and digital landscape. What do you think where we are standing in this? Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने follow किया and obviously this is an opportunity where I can talk about healthcare, which is close to my heart, and digital health, which is what I have been doing for the last 20 odd years. So healthcare, हम लोग समझते हैं कि जी simple है, it's a very complex area, और because it deals with lives, human beings, हम और जो industries हैं या और जो areas हैं, उनसे healthcare को compare नहीं कर सकते, it's completely different. Healthcare के अंदर जो चीज हमें चाहिए वो जिस वक्त चाहिए उसी वक्त चाहिए. अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है तो he or she needs the treatment when and where she needs it or he needs it, as opposed to maybe the airline industry or any other industry for that matter. So healthcare is very complex. एक चीज और ध्यान में रखें कि healthcare is not in good shape all over the world. Healthcare के अंदर बहुत सारे challenges हैं. So if I give you a very brief rundown, we have a double disease burden in healthcare. इसका मतलब ये है कि infectious diseases के अलावा chronic diseases भी अब हमारे लिए burden बन चुकी हैं. And people are dying not because of malaria only or typhoid or AIDS. People are dying because of diabetes, heart failure, cancer, lung disease, obesity. So ये chronic disease है. So now we are living in a double disease burden. Antibiotic resistance जो है अब हम इस नहज पे पहुंच गए जहां पर हम post antibiotic era में दाखिल हो जाएंगे according to WHO. अच्छा, और सर ये क्या होता है post? इसका मतलब ये है कि जब 1940s में जब penicillin दरियाफ्त हुई तो उस वक्त उससे पहले क्या होता था कि अगर किसी मरीज को सिंपल इन्फेक्शन भी हो जाता था, so that patient used to die because we could not do anything. फिर पेनिसिलिन आई तो फिर एक वंडर ड्रग थी, एंटीबायोटिक थी, जो एकदम ठीक हो गया. अब ये है कि इतना रेजिस्टेंस बढ़ गया है एंटीबायोटिक्स का कि नई एंटीबायोटिक में जो आती है एक दो साल में उसका रेजिस्टेंस आ जाता है, विच मीन्स दैट पेशेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एंटीबायोटिक्स. फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर नॉट manufacturing antibiotics anymore so much because it doesn't make business sense to them. So what is happening is, according to WHO, we are entering into the post-antibiotic era, जहाँ पर अब खुदा ना खास्ता, God forbid, वही होगा जो 1940 से पहले होता था कि आप मरीज को normal infection होगा और आप उसको बड़ी से बड़ी antibiotic दे रहे होंगे और respond नहीं करेगा और eventually he or she will die. This is a challenge. इस तरीके से पेशेंट सेफ्टी इज अ बिग चैलेंज. सो मैं अगर आपको WHO के फिगर्स दूं, 1 out of 10 पेशेंट्स, व्हिच इज 10%, एंड दीस फिगर्स आर फ्रॉम द वेस्ट, दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान. ओके, 1 out of 10 पेशेंट्स आर हार्म्ड व्हाइल इन अ हॉस्पिटल. अगर अस्पताल जाता है मरीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द US एंड यूरोप, सो जॉन्स हॉपकिंस, एमडी एंडरसन, किंग्स कॉलेज, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो दुनिया भर के मशहूर हॉस्पिटल्स हैं. यहाँ जब मरीज जाते हैं तो हर 100 में से 10 मरीज जो है उनको कोई ना कोई हार्म होता है, विच इज नॉट रिलेटेड टू देयर डिजीज. सो पेशेंट्स आर डाइंग नॉट बिकॉज ऑफ डिजीजेस बट बिकॉज ऑफ एरर्स इन प्रिवेंटेबल मेडिकल एरर्स. इसी तरह फिजिशियंस जो है दे वर्क इन साइलोज. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन हेल्थ केयर. लेकिन दो अपॉर्चुनिटीज है हेल्थ केयर में जिन्होंने हेल्थ केयर सिनेरियो को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. उनमें से एक है टेक्नोलॉजी, ठीक है, और दूसरी है पेशेंट सेंट्रिसिटी. लेकिन चूंकि हमारा जो डिस्कशन जो है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ी तमीज जो बिल्ड की आपके साथ हेल्थ केयर को और फिर हेल्थ केयर के चैलेंजेस को. सो टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली द, अगर हम कहें, उम्मीद की किरण जिसने इन तमाम चैलेंजेस में एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया है ऑलरेडी. और टेक्नोलॉजी की वजह से हमने हेल्थ केयर को अब वी हैव मेड हेल्थ केयर मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव एंड मोर अप्रोचेबल. सो आज टेक्नोलॉजी की वजह से मरीज को जब और जहां जरूरत है इलाज की
या इंटरवेंशन की, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वो प्रोवाइड करने में अब अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। ग्रेट, सो दैट मींस ये बड़ा इंकरेजिंग है सुनने में भी, पर मैं समझता हूँ कि पहले प्रैक्टिसेस यूरोप में या इस डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो है वो अडॉप्ट होती हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस होती हैं, यू नो उनके रिजल्ट्स जब अच्छे आने लगते हैं तो वो फिर पाकिस्तान में आती है। राइट, व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान इन अडॉप्टिंग दिस दीस टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखिए, इसका जवाब आपको भी पता है, हम पूरी कौम को पता है, हम सबको पता है। सो जो मैं बात कह रहा हूँ वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई यू नो it's an unknown you know fact. Yes, people are cognizant. Unfortunately, kisi aur industry ya kisi aur area ki tarah healthcare mein bhi hum bahut peeche khade hain, aur hum sirf west se peeche nahi khade, unfortunately hum to india se bhi peeche khade hain. Yeah, pakistan se mareez india pichle 15 saalon se bahut actively jaate hain ilaaj karane ke liye, to ye hamare liye obviously ek matlab embarrassing भी है कि जी इंडिया और पाकिस्तान हम जो इलाज नहीं कर पाते, हमारा मरीज जो है वहां जाके इलाज कराता है और खुश होता है, मरीज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एज अ नेशन बात कर रहा हूँ, सो वी आर एक्चुअली एम्बैरसिंगली लैगिंग बिहाइंड इन नॉट ऑल एरियाज बट अ लॉट ऑफ एरियाज। सो फॉर एग्जाम्पल हेल्थ रिसर्च के अंदर हम बहुत पीछे हैं, हमारे यहाँ इंडिजिनस रिसर्च नहीं होती, जो होती है तो बहुत कम होती है, we don't have data of diseases. हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन इन टू हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल की है, सो मोस्ट ऑफ आवर हॉस्पिटल्स डू नॉट हैव हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जो हमारे पास हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं इवन बेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर भी वो ग्लोबल लेवल के ऊपर मैच नहीं करते, वो हॉस्पिटल्स स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यू नो इंटीग्रेट नहीं होता, यू नो सो वन सिस्टम इज नॉट टॉकिंग टू द अदर सिस्टम। दुनिया भर के मुल्कों के अंदर ये एक डेवलपमेंट हुई है कि जी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, सो मरीज का जो रिकॉर्ड है वो अब डिजिटली मौजूद है, चाहे वो प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाता हो चाहे वो अस्पताल जाता हो। पाकिस्तान में इट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में भी एग्जिस्ट नहीं करता और गवर्नमेंट सेक्टर में भी एग्जिस्ट नहीं करता जिस लेवल पे होना चाहिए। बहुत ही सिलेक्टेड टॉप लेवल हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान है, शिफा है, शौकत खानम है या और भी कुछ और हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आपको हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलेंगे। EMR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सो डेटा इज नॉट अवेलेबल और डुप्लीकेशन होती है, सो इट्स नॉट एन एफिशिएंट सिस्टम। फिर हमारे यहाँ ऑब्वियसली एज यू नो कि रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है कि ऑल्दो हमारे यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स नर्सेस फार्मासिस्ट की तादाद बहुत कम नहीं है, कम जरूर है लेकिन बहुत कम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सारी की सारी सैचुरेटेड है अर्बन एरियाज में, कराची नॉर्थ इस्लामाबाद पिशावर क्वेटा, सो जो हमारा 60-65% रूरल एरिया है वहां डॉक्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते या नर्सेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसकी वजह से एक गैप है, लिहाजा उस रूरल एरिया के अंदर पेशेंट्स आर डाइंग अगेन नॉट बिकॉज ऑफ अ डिजीज बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर। दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी कम्स इन एंड यू नो प्लेज अ मेजर रोल। बट जो सवाल था आपका वो ये था कि जी ड्यू टू द ब्रेन ड्रेन हमारे सिर्फ अमरीका में 20,000 के लगभग पाकिस्तानी डॉक्टर्स काम करते हैं। अब ये वो डॉक्टर्स थे जो पाकिस्तान में अगर होते तो बहुत बड़ा एक इंकलाब ला सकते, लेकिन रिसर्च कर रहे होते हैं मुख्तलिफ एरियाज में, इंप्रूवमेंट आ रही है, इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं, मतलब हमारे बेहतरीन डॉक्टर्स तो सर्व कर रहे हैं। इसी तरह यूके के अंदर कम बेज यही नंबर है, 20,000-50,000 फॉर मेनी रीजन जो आप समझते हैं, पॉलिटिकल भी है, सिक्योरिटी भी है उसके अंदर, फाइनेंशियल भी है, तो देयर आर लॉट ऑफ एरियाज, एकेडमिक भी है, उसमें ये डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम करने को प्रेफर नहीं करते, तो इसकी वजह से हमारा लॉस है।
मैं समझ सकता हूँ सर, इत्तेफाक कैसा हुआ भी आपकी बात से मुझे एक बात याद आई कि मैंने मुझे पिछले दिनों एक हमारे दोस्त हैं जो आए केयर के अंदर, यानी आंखों की इलाज में काफी मतलब माशाल्लाह एक अच्छा नाम है, पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप लगाया था ठट्टा में किसी जगह पे, और मुझे उन्होंने इन्वाइट किया कि यार आप आइए देखिए। एंड आई वेंट देयर, तकरीबन 150 से 200 पेशेंट अटेंड हुआ उस दिन, और 80% प्लस लोग वहां पर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव थे। आई मीन इट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी कि इन बेचारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये इनफेक्ट वेयर दे विल लीड, ये इनकी डिजीज इनको कहाँ लीड करेगी, उनको ये भी नहीं पता कि उनको मिला कैसे। सो मतलब टू ऐड ऑन व्हाट यू नो आपने कहा या मैंने जो शेयर किया कि हेल्थ केयर की सिचुएशन लाइफ बहुत अच्छी नहीं जी। डायबिटीज हमारी अभी रिसेंट हमने सर्वे किया उसके अंदर 25% से ऊपर, विच वॉज जस्ट यू नो हमारे लिए बहुत शॉकिंग चीज थी। हमने नेशनल सर्वे किया लेकिन जो हमारा शायद आज टॉपिक है या वो ये है कि टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर जी बिल्कुल, या डिजिटल हेल्थ ओवर, जो मैं पिछले 20 साल से जिसमें मैं अपना जो है काम कर रहा हूँ या कॉन्ट्रीब्यूट। आप जिक्र कर रहे थे सर कि हमारा रिकॉर्ड पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, मेरा ये तीसरा चौथा सवाल था, बट बिकॉज अभी आपने जिक्र किया तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे बात करूँ। सबसे पहले किसी भी दुनिया में जहाँ भी डिजिटल इंक्लूजन हो रहा है और इससे फायदा उठाया जा रहा है, वहां पर एक चीज कोशिश की जा रही है कि जी रिकॉर्ड मेंटेन हो ताकि पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिले और सही डिसीजन मेकिंग हो। गवर्नमेंट यकीन में स्पेंडिंग करती है हेल्थ केयर के अंदर, और अगर हमारे पास पेशेंट का रिकॉर्ड ही नहीं है, डेटा ही नहीं है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सो हाउ बैडली इज इट अफेक्टिंग ओवरऑल हेल्थ केयर कंडीशन इन पाकिस्तान? सो ऑब्वियसली अगेन इन सवालों के जवाब हम सबको पता है जी, गवर्नमेंट को भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब ये बात हम सबको पता है, अब मैं जानता हूँ आपकी यू नो एक फार्मिको के साथ आप एक अरसे से काम कर रहे हैं, वहाँ पर यकीनन आपने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं कि ओवरऑल क्या करना चाहिए, आप बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी बात करते हैं, और ये गवर्नमेंट को नहीं पता, यानी आप अवेलेबल हैं, आपके पास कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपके पास आते हैं कि जी आपका माशाल्लाह इस एरिए के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक एक तजर्बा रहा है, सो व्हाई डोंट यू गाइड अस, why don't they are willing to do that? So dekhiye main digital health space ke andar jaise maine kaha ke 20 saal pehle ek telemedicine ka concept tha jo main Pakistan mein maine introduce kiya thi, aur us waqt obviously it was something aaj itna jo hai wo logon ko nahi pata, us waqt to you can imagine 20 saal pehle kitna naya ya kitna jo hai wo एलियन किस्म का कॉन्सेप्ट होगा जैसे टेक्नोलॉजी एंड टेलीमेडिसिन और ट्रीटिंग यू नो पेशेंट्स ओवर अ डिस्टेंस। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस थी, यू नो लोग वो कहते थे कि आप बेकार बात है, ये सारी बातें जो है वो, बट दुनिया उसको यूज़ कर रही थी टेक्नोलॉजी को। हमारे यहाँ उस वक्त अताउर रहमान साहब जो है वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बने, तो उन्होंने हमारी इस बात को समझ लिया फौरन। 2000 की बात कर रहा हूँ कि जब हमने 4-5 साल अवेयरनेस क्रिएट करते रहे, फिर अताउर रहमान साहब आए तो हमने उनको भी सामने भी रखा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं सेट के रिलैक्स। तो हमने पाकिस्तान की जो पहली टेलीमेडिसिन कॉन्फ्रेंस थी वो मैंने कराची में की, और उसमें अताउर रहमान साहब मौजूद थे, और वहाँ पर हमने कोशिश की कि हम एक इको सिस्टम बिल्ड करें, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। नाउ ये एक अजीब सा एक पैराडॉक्स था कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्टर है वो हमें सपोर्ट कर रहे थे फॉर टेलीमेडिसिन, और ये एरिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का था। तो जस्ट टू गिव यू अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसके बाद हमने पाकिस्तान का एक पहला हब एंड स्पोक टेलीमेडिसिन मॉडल क्रिएट किया, जिना अस्पताल को कनेक्ट किया हमने गंपट और शिकारपुर से, और एंग्रो ने उसको फंड किया, और फिर सुपारको ने उसको ज्वाइन किया। सो इट वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सो आई डेवलप्ड द प्रोजेक्ट, और प्रोफेसर डॉक्टर रशीद जुम्मा जो न्यूरोसर्जन है बहुत मशहूर, उनके साथ मिलकर हमने इसको जिन अस्पताल में लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा वो प्रोजेक्ट, हम कराची जिन अस्पताल से बैठकर गंबट और शिकारपुर के मरीजों को थ्रू टेलीमेडिसिन ट्रीट कर रहे थे, और द नंबर्स ऑफ पेशेंट नंबर्स हजारों में थे। फिर वो 7 सेंटर्स तक
जो फैल गया सिंध के अंदर। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी को उस वक्त जा चुके थे अतारान साहब, उनको ख्याल आया कि हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, दे टुक ओवर द प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसके बाद जुमा साहब जो है वो डीजी हेल्थ बन गए और द फर्स्ट थिंग ही डिड ही आस्क्ड मी के ज़कीर इफ यू कैन यू नो बिकम आवर एडवाइजर टू टेलीमेडिसिन टू द मिनिस्ट्री। ऑब्वियसली मतलब इट वाज अ यू नो ऐसा था कि मैं उसको पैसे वाले वाला नहीं थे, एडवाइजर कैपेसिटी वो उसमें ये था कि सर आप वही करना चाह रहे थे और गवर्नमेंट अगर करना चाह रही है तो व्हाई वोंट यू। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ कि मतलब आई हैड अ मीटिंग विद द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैड नो आईडिया व्हाट इज टेलीमेडिसिन, द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैड नो आईडिया कि टेक्नोलॉजी को हेल्थ में कैसे किया जाए, ऑल्दो पाकिस्तान वाज अ सिग्नेटरी ऑफ WHO फॉर ई हेल्थ। जो आपका सवाल है उसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे जो अरबाब अख्तियार हैं या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर लोग थे हिस्टोरिकली, they were not aware, they were not cognizant, they were not exposed, और हमने बहुत कोशिश की, फिर हमने एसोसिएशन बनाई, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस किए पाकिस्तान के अंदर, फिर बहुत से प्रोजेक्ट, मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हम एक प्रोजेक्ट मैं सऊदी अरब में कर रहा हूँ अभी किंग साउद यूनिवर्सिटी के अंदर, आई एम द प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ डिजिटल हेल्थ, और वहाँ पर हमने दुनिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कनेक्टेड हेल्थ का मॉडल हमने वहाँ पे लॉन्च किया, उसका नाम है राहा। सो राहा एंड व्हाट इज दिस कनेक्टेड मॉडल सर? ओके, सो सी फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी हेल्थ टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, हमने आज से 20-25 साल पहले वी स्टार्टेड विद टेलीमेडिसिन। ठीक है, टेलीमेडिसिन के माने हैं, टेली के माने होते हैं डिस्टेंस, तो टेलीमेडिसिन इज मेडिसिन ओवर अ डिस्टेंस यूजिंग टेक्नोलॉजी। फिर वो टेलीमेडिसिन से टेली हेल्थ बना, टेली हेल्थ से हमने इसको ई हेल्थ किया, ई हेल्थ ओवर इन कॉम्पोजिट टर्म थी, एंड देन एम हेल्थ, मोबाइल की जब एडवेंट हुई, मोबाइल आया तो एम हेल्थ बन गया, तो हमने पाकिस्तान में जो है वो दुनिया का चौथा और पाकिस्तान का पहला मेडिकल कॉल सेंटर लॉन्च किया, मतलब आई लॉन्च इट विद टेलीनॉर, बहुत कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट, वो एम हेल्थ का प्रोजेक्ट था। फिर होते होते अब हम यहाँ खड़े हैं, दुनिया भर में हम टर्म यूज करते हैं डिजिटल हेल्थ के अंदर कनेक्टेड हेल्थ। ठीक है, और कनेक्टेड हेल्थ का मतलब यह है कि मरीज को एक महीने या दो हफ्ते या तीन महीने बाद कनेक्ट नहीं करना टेलीमेडिसिन से, मरीज को 24/7 24 घंटे थ्रू आउट द ईयर उसके डॉक्टर या उसके अस्पताल से कनेक्टेड रखना है। So that means कि अगर मैं पेशेंट हूँ और आपका पोर्टल है, so I would come there, I would register, sign up there, and I would be connected. और मैं जिस एरिये का मुझे इशू है, sometimes people don't know what issue they are facing right now. But उनके पेट में दर्द, for example. So how this portal? So connected health model अमूमन chronic disease के लिए काम करता है, और अमूमन एक खास ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए काम करता है, चाहे वो अस्पताल के हो, या चाहे वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के हो, या किसी प्रोवाइडर के हो, जैसे अमेरिका में HMOs होती हैं, तो 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, तो ये ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम उसमें इनरोल कर लेते हैं या रिक्रूट कर लेते हैं, और फिर उनको वो एप्स दी जाती हैं, उनको डिवाइसेस दिए जाते हैं, उनको पोर्टल दिया जाता है। सऊदी अरब में जो हमारा मॉडल है, विच अगेन इस वक्त जो है वो दुनिया में नंबर वन प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हॉस्पिटल बेस्ड प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि किंग साउद यूनिवर्सिटी जो कि मेडिकल सिटी है और सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मतलब एक हॉस्पिटल है जो 1300 बेड का है, एक और हॉस्पिटल है चार ह्यूज, वहाँ पे उनके जो अपने मरीज हैं जो कि एक्चुअली लाखों में हैं, उन मरीजों को हम अस्पताल से 24 घंटे कनेक्टेड रख रहे हैं विद दिस प्रोजेक्ट जिसका नाम है राहा। एंड राहा स्टैंड्स फॉर रिमोटली एक्सेसिबल हेल्थ केयर एट होम। इसमें फॉर एग्जाम्पल जो प्रेगनेंट खवातीन हैं उनको हमने 3-4 डिवाइसेस दिए हुए हैं, फीटल हार्ट मॉनिटर है जो एक छोटा सा डिवाइस है लाइक दिस, जिसको वो अपने पेट पे अगर रखें और रखती हैं तो जो 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 बच्चा है उसकी हार्ट साउंड्स रिकॉर्ड होके हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर और पोर्टल पे आ जाती है, यानी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उन पेशेंट का, आयशा पेशेंट का नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो आयशा की सारी इंफॉर्मेशन, उसका ब्लड प्रेशर, उसको अगर फर्स्ट करेंट जेस्टेशन डायबिटीज है तो उसकी ग्लूकोज लेवल, बच्चे की हार्ट साउंड्स, बच्चे का हार्ट रेट,
ये सारी इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस हमारे पोर्टल के ऊपर मौजूद है, जिसको डॉक्टर किसी भी वक्त व्यू कर सकता है। इसी तरीके से कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स हैं, बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जस्ट मतलब आई एम श्योर के यू नो द व्यूअर्स विल बेनिफिट फ्रॉम इट इंशाल्लाह। बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं जो बहुत बहुत ओबीस या मोटे अफराद होते हैं उनकी सर्जरी होती है, जिससे उनको पतले हो जाते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत सेंसिटिव सर्जरी, जैसे हमने अदनान समी की केस में मेरा ख्याल है शायद उनकी भी सर्जरी हुई थी। तो अब क्या हो रहा है कि किंग्स हाउस यूनिवर्सिटी में जो बैरियाट्रिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है पूरे किंगडम का, पूरे मुल्क से वहां पेशेंट्स आते हैं। पहले ये होता था कि जी मरीज की सर्जरी हुई और 3 से 4 दिन वो मरीज हॉस्पिटल में उसको रुकना है। अब ये होता है कि जो बैरियाट्रिक डिपार्टमेंट है उनके डॉक्टर्स ने रहा देखा, हमारा मॉडल देखा, उन्होंने कहा हम इस पे अपने मरीजों को डालना चाहते हैं। तो अब होता क्या है, नॉट ऑल लेकिन मेनी ऑफ देयर पेशेंट्स, उनकी सर्जरी होती है, डे केयर सर्जरी हुई, शाम में उनको हम घर भेज देते हैं। लेकिन उनको हम 3 डिवाइसेस देते हैं क्योंकि हमें उनके 3 रीडिंग्स चाहिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन चाहिए, तो पल्स ऑक्सीमीटर भेज देते हैं उनको, हार्ट रेट और थर्मामीटर, ये 3 डिजिटल डिवाइसेस हैं जो उनको पेशेंट को देते हैं विद ऐप, मोबाइल पर उनके ऐप डाउनलोड कर देते हैं और अगले 10 दिन तक हॉस्पिटल उनको घर से मॉनिटर करता है। तो एक तो अस्पताल का तकरीबन $2,000 से $3,000 पर पेशेंट बच गया, मरीज को जो इन्फेक्शन होने हैं अस्पताल में रहने से वो खत्म हो गए, मरीज को कंफर्ट मिल गई घर से, और डॉक्टर और नर्स को 24 घंटे की विजिबिलिटी मिल गई पेशेंट की। दिस इज कनेक्टेड है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बगैर नहीं हो सकता। And I also understand that when there is a will, there is a way. जब आप कुछ करना चाहते हैं, इस किस्म की facilities provide करना चाहते हैं अपने citizens को, so they think over those lines. बिल्कुल, मैं आपसे share करूँ, मतलब के just last month मैं King Saud में चुके, मेरा ये जिम्मेदारी है, तो मैं महीने में 1-2 मरतबा जाता हूँ वहाँ पे, एक टीम है, फिर कुछ टीम यहाँ पाकिस्तान में रखी हमने, तो I met with the Minister of Health सऊदी अरब में और मैंने पूरा उनको रहा का प्रोजेक्ट दिखाया ना, ऑब्वियसली मतलब द सीईओ ऑफ द किंग्स हाउस यूनिवर्सिटी एंड द लीडरशिप वाज विद मी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं विजन आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान में भी हो इंशाल्लाह। द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ आस्क्ड मी के डॉक्टर जकी आर यू डूइंग एनीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि मिनिस्टर जो है, जो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मिनिस्टर है, वो मुझसे वो चीज पूछ रहा है जो इस वक्त यूएस के अंदर और वेस्ट में चल रही है। yes. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम AI कहते हैं, आप जानते हैं, इन पॉपुलेशन हेल्थ, या हमारे जो अरबाब इख्तियार जो मिनिस्टर्स हैं, वो उनको चूंकि एक तो हेल्थ केयर का नहीं पता, दूसरा उनको हेल्थ एंड IT का नहीं पता, और फिर शायद मेरा ख्याल है कि विल की भी शायद कमी है, या ये कि वो उनके ख्याल में शायद दूसरे मसाइल ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। असल में वो होता क्या है कि क्योंकि ये पब्लिक को जा रहा है इंटरव्यू आपका, सो डेफिनेटली एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट जो पैदा हुआ है मिनिस्ट्री साइड पे, गवर्नमेंट साइड पे। और अब मैं समझता हूँ, हैट्स ऑफ टू यू जो आप एफर्ट कर रहे हैं सर, यहाँ पर भी मैंने देखा है दैट यू स्पीक टू अ नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेज ओवर सर्टेन टॉपिक्स जो अभी हमारी डिस्कशन चल रही है। अल्लाह करे कि हमारी ये कोशिश, आपकी ये कोशिश जो है वो रंग लाए और हमारे यहाँ कुछ इसके रीशेपिंग में कोई मदद मिले। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक एरिया जो मैं देखता हूँ सर कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो डील करते हैं पेशेंट से डे टू डे, दे आर ऑल्सो नॉट सो आई मीन गुड इन अडॉप्टिंग दीज टेक्नोलॉजीज, वो यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करना नहीं चाहते। मेरी एक लोगों से बात हुई, डॉक्टर से बात हुई, कि कोई इस तरह का ई हेल्थ का कोई मॉडल हो, टेली मेडिसिन का, टेली हेल्थ का, टेली कंसल्टेंसी का कोई मॉडल हो, एंड दे से उन्होंने इस तरह का एक्सप्रेशन दिया दैट आई केम टू नो दे डोंट वांट। आप समझते हैं कि हमारे यहाँ कंसल्टेंट्स जो है वो इस तरह इसको इस्तेमाल करने में ज़्यादा ईजी नहीं होते हैं, वाई दे आर सो मच रिलक्टेंट इन यूजिंग दैट? क्योंकि मैं पाकिस्तान में टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट लेके आया था 20 साल पहले और मैं पूरे पाकिस्तान में जाके प्रेजेंटेशंस देता था अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, डॉक्टरों के साथ, और मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स यूज टू रेजिस्ट, जो कि पूरी दुनिया में होता है। तो पहली बात तो ये कि जो आपने बात कही है वो ऐसी ही है, फिजिशियंस हैव बीन रेजिस्टिंग
the utilization of technology in healthcare, whether it's telemedicine, whether it's EMR. So, is there any specific reason to this? ये million dollar question. और मैं चूंकि physician हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो हैं वो मेरी बात शायद इतनी ज़्यादा मुझे बुरी ना लगे उनको क्योंकि मैं उनकी community का ही हूँ. So one, the physicians resist, and they have been resisting it, and they resist all over the world. Even in the US, EMR की integration, electronic medical record. So Obama ने एक incentive दिया आज से 6-7 साल पहले, बल्कि ज़्यादा actually, कि जी जो doctors जिस वक्त EMR की utilization was in around 20%, अमेरिका में लाखों doctors हैं, around 20% EMR use करते थे. तो ओबामा ने एक इंसेंटिव दिया कि जी जो डॉक्टर्स ईएमआर खरीद के ईएमआर पे माइग्रेट करेंगे उनको हम इंसेंटिव देंगे, और ये 5 साल के अंदर होना था. और जो लोग 5 साल के अंदर नहीं माइग्रेट करेंगे उनको पीनलाइज किया जाएगा. ओके. इस इंसेंटिव और पीनलाइजेशन के बावजूद 70% ही सिर्फ माइग्रेशन हो सकी US के अंदर. लेकिन US के अंदर जो हम बिलीव करते हैं, और 2015 तक का उनका वो था टारगेट था, आज 2018 में भी इट इज अराउंड 90%. सो इट टुक देम अराउंड 8-9 इयर्स विद इंसेंटिव्स एंड यू नो जस्ट कैरेट एंड स्टिक. तो अब आप पाकिस्तान में आ जाए, ठीक है ना. सो आई थिंक ये जो रीजन आप पूछ रहे हैं, एक तो ये है कि फिजिशियंस आर नॉट ट्रेन्ड, ठीक है, टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी इजी. दूसरा यह है कि फिजिशियंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है हेल्थ केयर के अंदर, गुड एंड बैड आप उस पर बहस कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी क्या करती है कि दो चीजें करती है, एक तो टेक्नोलॉजी ये कंट्रोल खत्म करती है, दूसरा डॉक्टर्स के ऊपर एक बर्डन ऐड करती है, ठीक है. सो अगर एक शख्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ऑलरेडी 100 से 150 मरीजों की ओपीडी कर रहा है, और उसको आप EMR भी दे देते हैं, तो वो तो कहेगा कि जी मेरे लिए और मुश्किल होगी. इस तरह प्राइवेट क्लिनिक्स में भी यही हाल है, ये एक एस्पेक्ट है. लेकिन मॉरल बहुत से डॉक्टर्स जो है असिस्टेंट रख सकते हैं और रखे भी उन्होंने. सो आई थिंक इसका जवाब तो बहुत लंबा है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट यस, द फिजिशियंस हैव बीन रेजिस्टिंग इट एंड दे आर स्टिल रेजिस्टिंग इट. लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी जितनी परवेसिव हो गई है, और जो दूसरा जो एक कॉन्सेप्ट फिनोमेना है जो मैं चाहूंगा कि सबसे शेयर करूं, वो है पेशेंट एम्पावरमेंट का. Patients are empowered today because of technology. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि US के, मैं आपको stats बता देता हूँ कि अमेरिका के अंदर 75-80% of patients go to the internet before they go to the doctor. So for example, अगर patient अपनी अपने वालिद की बीमारी के लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा है, तो अराउंड 80% ऑफ दोज पेशेंट्स हैव ऑलरेडी बीन टू द इंटरनेट एंड दे हैव एक्चुअली रिसीव्ड ऑल द इंफॉर्मेशन. तो जब वो डॉक्टर की क्लिनिक में आते हैं, तो वो डॉक्टर को एक्चुअली बताते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो मेरे वालिद को पार्किंसंस डिजीज है, इस पार्किंसंस डिजीज की एक नई दवाई 2 हफ्ते पहले आई है, तो वो आप मेरे अब्बा को क्यों नहीं दे रहे? और डॉक्टर कहता है, जी कौन सी दवाई? So ये जो रेवोल्यूशन आया है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट. Similarly, you know, doctor के पास से वापस जाने के बाद 85% to 82% कमोबेश patients जो हैं वो दोबारा internet पे जाते हैं और doctor के prescription को check करते हैं. कुछ patients तो doctor की clinic में बैठ कर doctor को ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब, जो आपने मेरे अब्बा को या मुझे या मेरी बीवी को जो 4 दवाइयाँ दी हैं, इनमें दवाई A और दवाई B आपस में interact करती है. और doctor कहता है, oh, I'm sorry. So the role of patients has increased and they have become more empowered. तो ये एक reactive reason है कि जिसकी वजह से अब doctors technology को use करने पर मजबूर हैं. और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि जो pharmaceutical company Farmivo, that is one of the hats I wear. मैं वहाँ digital health को head करता हूँ. वहाँ पर हमने पाकिस्तान का पहला virtual hospital बनाया है. वर्चुअल हॉस्पिटल, इट मींस के जैसे फिजिकल हॉस्पिटल्स होते हैं आखान और ये शिफा या मेडिकेयर, वो वर्चुअल हॉस्पिटल है. तो अमेजिंग सर, वहां पे वर्चुअल क्लिनिक्स बने हुए हैं और डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी हमने 2 डॉक्टर्स को डेमो दिया है, दे आर नाउ. सो हमारे पास साइकियाट्री में, कार्डियोलॉजी में, गायनेकोलॉजी में, डायबिटीज में, डॉक्टर्स आर नाउ जॉइनिंग दैट वर्चुअल हॉस्पिटल
and creating their virtual clinics. So I think let me congratulate you on this and Farmigo especially. Alhamdulillah. You can वहाँ पे इस एरिया को हेड कर रहे हैं और अगर के मेरा ख्याल है कि we would be able to encourage a good number of doctors over this. So patient भी इसपे ये कर आना शुरू होंगे. हमारे यहाँ patient का भी मेरे ख्याल में एक behaviour अभी नहीं बन पाया है कि वो उससे technology से फायदा उठा सके.